टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। साथ निभाना साथिया में दिखेगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जब जग्गी बाथरूम में सिर्फ टॉवल में निकल आएगा, जिसे देख गोपी होगी नाराज। वहीं टेली टॉप अप में आप होंगे रिचार्ज नए शो दिल बोले ओबरॉय की खास झलक से, जो हम खास लेकर आए हैं आपके लिए। आज आप टेली टॉप अप पर देखेंगे हॉट एंड डैशिंग स्टार अर्जुन बिजलानी का फोटोशूट। भाभी जी घर पर हैं कि पॉपुलर कैरेक्टर हप्पू सिंह से भी होगी आपकी मुलाकात, तो देर किस बात की। शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल साथिया के जग्गी यानी टीवी स्टार नजीम, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैद सीरियल के सेट पर नजीम को शर्टलेस अवतार में फोटो शूट करवाते हुए। बहुत सारे डिफरेंट सीन्स किए, आज थोड़ा और डिफरेंट हुआ है बिकॉज़ आज पानी चला जाता है नल में और मैं जग्गी मतलब अहम ने तो बहुत बार शर्ट उतारी है, मतलब उतारी नहीं है ऐसे कुछ भाई, ऐसे बॉडी तो नहीं दिखाई, लेकिन फर्स्ट टाइम जग्गी ने ऐसे प्रॉपर एज इन बॉडी दिखाई है कि नल में पानी चला जाता है, वो साबुन लगा कैसे बाहर आ जाता है, वो एक सीन है। अच्छा लगता है यार, और लोग देखते हैं तो भाई पता चलता है कि यार वाकई में लोग कितना मेंटेन करते हैं, और जाहिर सी बात हमारा मतलब प्रोफेशन है फिट रहना, और अच्छा लगता है बिकॉज आप लोग अगर फिट रहते हो और टी वी पर दिखते हो तो बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ सीखते भी हैं, और जितने भी लोग मतलब जो आई थिंक ट्रेनिंग करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं वो जिम जाते हैं, वो मतलब हेल्थ कॉन्शियस तो होती है लोग। जूम ने नजीम से किया सवाल कि क्या वो भी मानते हैं कि सीरियल में शर्टलेस होने से टीआरपी में आता है उछाल। तो ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज एक सीन की रिक्वायरमेंट होती है, और टीआरपी का जहाँ तक सवाल है वो टीआरपी आती है एज इन कपड़े उतारने से या फिर कुछ नहीं, मतलब ऐसी चीजें करने से मुझे नहीं लगता टीआरपी आती है। हाँ, अगर फाइट सीक्वेंस होता कि बॉडी दिखाता फिर शायद थोड़ा बहुत डिफरेंट होता, बट ये स्क्रिप्ट अच्छी हो, स्टोरी अच्छी हो। वेल, वी होप कि आप टीवी स्टार नजीम के इस शर्टलेस अवतार से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। और अब आइए आपको लेकर चलते हैं सीरियल साथिया के सेट पर, जहां जग्गी बाथरूम से निकल आए हैं बाहर, वो भी टॉवल में ही, जहां उनके पूरे शरीर पर लगा है साबुन का झाग, जिसकी वजह से वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं, जिसे देख गोपी को आता है गुस्सा और वो जग्गी से करती है सवाल कि आखिर वो बाथरूम से ऐसे बाहर क्यों आया। वही एक तरफ जहां गोपी जग्गी के इस हरकत से होती है नाराज, तो वहीं दूसरी तरफ जग्गी गोपी को हंसाने के लिए करता है ड्रामा, और गोपी के सामने शर्मा कर उसे नहाने के लिए पानी लाने के लिए बोलता है। मतलब शर्माता नहीं, वो जानबूझ के गोपी को हंसाने की कोशिश करता है, वो जो थोड़ा सा चुलबुला टाइप। आज का बोनस धमाका, अर्जुन बिजलानी ने फैंस को क्यों कहा शुक्रिया। सीरियल इश्कबाज का एक्सटेंशन शो दिल बोले ओबरॉय जल्द ही टीवी पर आने वाला है। इश्कबाज में शिवाय और अनिका की लव स्टोरी को दिखाया जाएगा, और अब दिल बोले ओबरॉय में रुद्रा और ओमकारा की लव स्टोरी दिखाई जाएगी। देख लीजिए सीरियल दिल बोले ओबरॉय के प्रोमो की खास झलक। टीवी स्टार श्रेणु पारेख सीरियल दिल बोले ओबरॉय से टीवी पर अपना कमबैक कर रही हैं। श्रेणु गौरी के किरदार में इस शो में नजर आएंगी। शो में श्रेणु एक्टर कुणाल जयसिंह के ऑपोजिट नजर आएंगी। इस शो में ओमकारा और गौरी की लव स्टोरी दिखाई जाएगी। चलिए जानते हैं श्रेणु से उनके रोल के बारे में। ब्यूटीफुल कैरेक्टर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो, एंड आई होप मेरे फैंस जिन्होंने इतनी पेशेंस दिखाई अब तक, आई लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस एंड आई गेट द सेम लव दैट आई गॉट बिफोर। सिर्फ एक झलक है, कोई एक प्यार में पड़ेगा, पता नहीं क्या होने वाला, इट्स जस्ट गोइंग टू बी सो मच फन। सीरियल दिल बोले ओबरॉय जल्द ही टीवी पर आने वाला है, और ये तो हम आपको बता चुके हैं। अब देख लीजिए कि किस तरह बिहाइंड द कैमरा शो के लिए काम हो रहा है, कैसे हो रही है शो की शूटिंग, और एक्टर्स कर रहे हैं कितनी मेहनत और मस्ती भी। लेट ऑन द शो, कौन है रोशनी चोपड़ा का ट्रू लव?
और आइए अब आपको करते हैं सीरियल परदेस के राघव यानी टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी के फोटोशूट वाली न्यूज के साथ रिचार्ज। जी हां, अर्जुन ने करवाया अपना फोटोशूट और किया खुलासा अपने इस फोटोशूट के बारे में। सुबह जाओ, यू नो यू आर शूटिंग टिल लेट एट नाइट। सो फाइनली 26 तारीख थी, मैंने रियलाइज़ किया कि शूटिंग तो होगी नहीं इस दिन पर, यू नॉट अलाउड टू शूट। सो आई विल शूट समथिंग दैट आई वॉन्टेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड आई जस्ट कॉल्ड अप प्रशांत। मैंने उनको कहा कि चलो हम मिलते हैं और डिसाइड करते हैं और शूट करते हैं। मेरे सबसे कहीं ना कहीं एक ही चीज़ सेम रूटीन चलती रहती है तो शायद इंसान भी बोर हो जाता है। जिस तरह से ये सीरियल्स अभी कर रहे हैं, नो डाउट सीरियल बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं वो एक ही रूटीन में थे तो मैं चाहता था कि समथिंग कुछ डिफरेंट हो। इनके वो सारे लुक्स बाहर आए जो उन्होंने बहुत टाइम से नहीं किए या किसी और ने भी नहीं किए उनके लिए, तो एक कुछ अलग प्लान किया इनका पूरा। सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि हप्पू सिंह यानी कि टीवी एक्टर योगेश त्रिपाठी जी जूम के कैमरा में कैद हुए टेली टॉप अप लाइव देखते हुए। और फिर हप्पू सिंह ने की तारीफ शो के बारे में कुछ इस तरह। इनको जो प्रोग्राम है ना टेली टॉप अप, वो थोड़ी दुनिया की जो और भी चीज़ें आती हैं वो इतनी फटाफट नहीं आती हैं, ना फटाफट आती हैं ना फटाफट जाती हैं। ये तो एक बार में 30 लोगों को निपटा देती हैं, एक बार की कहानी लंबी होती है, बाकी 30 को ऐसे ही निपटा देती हैं, लेकिन काम की बातें ज़्यादा करते हैं, फालतू को वो सब नहीं करते हैं। तो हमारा जो कहना है कि इनको थोड़ी डिफरेंट तरीका है, वो ऐसे ऐसे सबके सीरियलों में जाके मज़े मज़े की अच्छी अच्छी चीज़ों की आपको जानकारी फटाक से दे देते हैं, 30 लोगों के बारे में 2 मिनट में बता देते हैं, बाकी लोग 2 मिनट में भी 30 लोगों के बारे में नहीं बता पाते हैं। तो जूम चैनल जो है को बड़ा निरालो है दादा। तो हम आओ कहने को जो मतलब है तो कि इनको जो प्रोग्राम है को ना 30 मिनट को फुल रिचार्ज है दादा। टेलीविजन प्रोड्यूसर राजन शाही अपने प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर्स कट के अंडर एक नया शो लाने की तैयारी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज ये शो उनके प्रेजेंट शो ये रिश्ता से बिल्कुल अलग होगा। ये शो एक रिवेंज ड्रामा बेस्ड थ्रिलर होगा और उसमें मुख्य भूमिका में नजर आ सकते हैं टीवी स्टार मोहित मलिक, जिन्हें आप डोली अरमानों की शो में देख चुके हैं, और टीवी एक्टर अरहान बहल। FIR फेम की एक्ट्रेस कविता कौशिक की शादी की न्यूज से तो हमने आपको अपडेट किया ही था। जी हां, रौनित बिस्वास के साथ कविता करने जा रही हैं शादी, और कविता की मेहंदी सेरेमनी में उनके क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली हुई शरीक। कविता की दोस्त भारती सिंह ने कविता का एक वीडियो भी किया है पोस्ट, जिसमें कविता कर रही है जमकर डांस। हॉट एंड गॉर्जियस रोशनी चोपड़ा भले ही 2 बच्चों की माँ बन गई हो, लेकिन वो अपनी फैमिली और काम में बनाती हैं परफेक्ट बैलेंस। रोशनी जहाँ द कपिल शर्मा शो में वक्त वक्त पर दिखाई देती हैं, वहीं अपने दोनों बच्चों को भी देती हैं पूरा वक्त। और रोशनी ने अपने दोनों बेटों जयवीर और रेयान की पिक्चर शेयर की है और लिखा है ट्रू लव इक्वल्स जयवीर एंड रेयान। बॉलीवुड के 2 बड़े टैलेंटेड स्टार्स रवीना टंडन और अरशद वारसी जल्द दिखाई देंगे टीवीपुर के एक एक्टिंग टैलेंट शो सबसे बड़ा कलाकार को जज करते हुए। बताया जा रहा है कि इस शो में 4 से लेकर 12 साल के बच्चे अपने एक्टिंग टैलेंट का जलवा बिखेरेंगे, जिसे जज करेंगे रवीना और अरशद। जमाए राजा में अपने नेगेटिव किरदार से व्यूअर्स को अपना दीवाना बना देने वाले टैलेंटेड एक्टर मोहित मल्होत्रा जल्द दिखाई देंगे एक नए शो में, जिसका नाम बताया जा रहा है चुप चुप के। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज मोहित का ये शो एक मराठी शो से इंस्पायर्ड है। इस शो में मोहित के अलावा तनाज ईरानी, फरीदा दादी और कृणाल पंडित के भी फाइनलाइज किए जाने की खबर है। टीवी पर के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम स्टार्स अर्जुन बिजलानी के फैंस उन्हें करते हैं बेहद पसंद, और सोशल मीडिया पर भी है अर्जुन की काफी लंबी फैन फॉलोइंग। और रिसेंटली अर्जुन की सोशल हैंडल साइट इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के आंकड़ों ने 1 मिलियन को पार कर दिया। अर्जुन ने इस मौके पर अपने फैंस को अपने सन अयान के साथ एक क्यूट पिक्चर शेयर करते हुए किया शुक्रिया अदा। I thought it's a great platform to connect with your fans. And you know they connect with you. They write such lovely stuff for you. They give their feedback. They like your pictures. They know what's going on.
in your life, and I think they enjoy knowing what's going on. So why not be connected to them in some way or the other? Plan नहीं किया था कि 1 million हो जाए या 2 million हो जाए. मैं बस अपने photos डाल रहा हूँ और लोगों का प्यार है. And I just want to do justice in whatever work I do. I just want to keep entertaining them. And thank you for loving me so much. शक्ति की खूबसूरत सौम्या यानी टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलायक के सीरियल के सेट पर पहुंचे उनके दिल के बेहद करीब रहने वाले दो खास शख्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो लोग कौन हैं? तो आपको बता दें कि ये दोनों कोई और नहीं रुबीना की मॉम और सिस हैं, जो रिसेंटली पहुंची शक्ति के सेट पर रुबीना से मिलने। ये है मोहब्बतें की इशिता यानी पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी रिसेंटली मिली अपनी दोस्त और बहू हमारी रजनीकांत फेम की टीवी एक्ट्रेस वाबीज दोराबजी से। दिव्यांका ने वाबीज और हबी विवेक के साथ अपनी ये पिक की शेयर अपने फैंस के लिए सोशल हैंडल पर विद दिस कैप्शन, इट्स ऑलवेज ग्रेट कैचिंग अप विद दिस सोशल बटरफ्लाई, यू आर इंस्पायरिंग वाबीज। एशिया थर्ड सेक्सीएस्ट वुमन का खिताब अपने नाम करने वाली हॉट एंड सेक्सी टीवी स्टार निया शर्मा ने रिसेंटली अपने भाई विनय का बर्थडे किया सेलिब्रेट, और सोशल हैंडल पर निया ने अपने भाई के साथ अपने बचपन की पिक शेयर करते हुए किया उनका बर्थडे सेलिब्रेट। निया ने स्पेशल वीडियो भी किया शेयर। संयुक्त ने पूरे कर लिए हैं 100 एपिसोड्स, और इस खुशी में शो के मेकर्स ने रखी एक पार्टी जहां शो की पूरी कास्ट मौजूद थी। सभी ने इस खुशी को साथ मिलकर सेलिब्रेट किया, केक काटा और की खूब मस्ती। देख लीजिए इस सेलिब्रेशन की खास झलक। सितारों ने जूम के साथ कैसे मनाया था रिपब्लिक डे, ये तो हम आपको दिखा चुके हैं। अब देख लीजिए टीवी सितारों के रिपब्लिक डे सोशल मीडिया पोस्ट। टीवी स्टार्स जैसे कि दिव्यांका त्रिपाठी, अर्जुन बिजलानी, रश्मि देसाई, मृणाल जैन एंड मेनी मोर सभी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अलग अलग पिक्चर्स पोस्ट करके अपने फैंस को रिपब्लिक डे विशेस दी। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि अनीता भाभी की सेट पर नदारा धोने वाली न्यूज के साथ। इससे पहले कि आप कुछ समझें, हम आपको बता दें कि अनीता भाभी यानी कि टीवी स्टार सौम्या टंडन निकल पड़ी हैं छुट्टियों पर, शूटिंग से 10 दिनों का समय निकालकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने सात समंदर पार। और यही वजह है कि अनीता भाभी हैं इन दिनों सेट से नदारद। कमिंग अप ऑन द शो, बेहद में बदला माया का अंदाज। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। और आइए अब आपको मिलवाते हैं बिग बॉस के घर से बेघर हो चुके टीवी एक्टर रोहन मेहरा से, जिन्होंने किया शेयर अपना एक्सपीरियंस बिग बॉस के घर के अंदर बिताए हुए पलों को। जब मुझे सुनने को मिला कि भाई अब तुम पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हो गए, तो मैंने कहा भाई मैं गेम में करके रहा हूं। वो फीलिंग उस वक्त इतनी मतलब दिल से निकली फीलिंग होती है, दिल के इमोशन था वो पूरा, कि मुझे शो करना ही नहीं है, मुझे बस जाना है। और मेरे ख्याल से यही वो भी चाहते हैं कि जो आपके दिल में वो आप बोलो, अगर अगर आपके दिल में आप जैसे हो आप वो देखो, अगर आप अच्छे हो तो आप आगे तक पहुंचोगे, नहीं हो तो आप पहले निकल जाओगे। पर वो चाहते हैं एक्सप्रेस करो, जो कि मैंने की अपनी फीलिंग जो मेरी जेन्युइन थी, और आपने मुझे बहुत प्यार दिया हमेशा ही, और आपकी वजह से ही मैं टॉप 5 में पहुंचा और आपने मुझे हमेशा वोट किया। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के नए शो दिल से दिल तक के ग्रैंड लॉन्च से तो हमने आपको रिचार्ज किया ही था, और अब बारी है आपको इस शो की एक खास झलक दिखाने की। सीरियल जमाए राजा में सत्या और माही का रोमांस तो आपने देखा ही था, और अब आपको इन दोनों के एक खास सीन से करते हैं रिचार्ज। द
बिग बॉस अब आ गया है अपने एंड के कगार पर। वेल, टेली टॉप अप में आज आप देखेंगे इसका छोटा सा सफर। पॉपुलर टीवी शो कुमकुम भाग्य में आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जिसकी एक झलक लेकर आया है टेली टॉप अप खास आपके लिए। टेली टॉप अप में अब बारी है आपको कपिल शर्मा के शो की कुछ खास ग्लिम्पसेस से हंसाने की। नागिन 2 की यामिनी और शेषा अब बन गई हैं या शेषा। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुधा चंद्रन और अदा खान की, जिनकी सेट पर आजकल काफी दोस्ती है। वेल, अदा तो सुधा चंद्रन को अपनी मॉम के जैसे ही समझती हैं। इतना ही नहीं, अदा ने तो ये भी शेयर किया कि स्कूल डेज में वो सुधा जी के बारे में पढ़ती थी और अब जब उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो अदा है काफी खुश। वेल, वी होप आपकी ये फ्रेंडशिप ऐसे ही चलती रहे। सीरियल बड़ो बहू ने पूरे कर लिए हैं अपने 100 एपिसोड, जिसका ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ उसके सेट पर। वेल, हम आपको बता दें कि ये सीरियल फिल्म दम लगा के हाइशा की स्टोरी पर बेस्ड है, जिसने धीरे धीरे ऑडियंस के बीच अपनी पकड़ बना ली है। जानाना दिल से दूर के शशांक व्यास ने स्पेशल टाइम निकाला अपने फ्रेंड शांतनु के लिए। जी हां, शशांक शूट से छुट्टी लेकर पहुंच गए उज्जैन और अटेंड की अपनी फ्रेंड की शादी। वेल, शशांक ने उज्जैन के मौसम का भी लुत्फ उठाया। सीरियल बेहद में माया ने अब बदल लिया है अपना रंग। जी हाँ, व्हाइट कपड़ों में दिखने वाली माया अब आपको कलरफुल अंदाज में दिखाई देती है और आज हम आपको रिचार्ज करेंगे माया के उसके संगीत वाले लुक से, जिसमें वो दिख रही हैं काफी खूबसूरत। Minute ka full recharge. Zoom Tele Top Up. For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.